आज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है जिसको लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पे गिना जा रहा है। वहीं प्राइम टीवी की टीम प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाकर और प्रत्याशियों के विचारों को जान रही है। इसी क्रम में नगर पंचायत अमेठी से चेयरमैन पद हेतु भारतीय जनता पार्टी के एकता निगम पर विश्वास जताया है। साथ ही प्राइम टीवी की खास बातचीत में एकता निगम ने कहा कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएंगे। साथ ही अमेठी नगर पंचायत के अंदर में छुट्टा पशुओं की समस्या प्रमुख है जिसे हम जीतने के बाद निजात दिलाएंगे। क्या कहा कुछ, आइए सुनाते हैं आपको। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम नगर संग्राम में। जी हाँ, निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशियों में घमासान शुरू हो गया है। तो इस वक्त हम मौजूद है नगर पंचायत अमेठी के लखनऊ में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए बीजेपी के चेयरमैन प्रत्याशी एकता निगम जी। मैम, इस बार जो निकाय चुनाव में सरगर्मियाँ तेज हो गई है, इस बार सभी प्रत्याशी बढ़ चढ़ के इसमें घमासान शुरू हो गया, अपनी सहमति दे रहे हैं, तो आप इस बार जो चेयरमैन पद से आप बीजेपी की ओर से, तो क्या आप किस तरह से रणनीति होगा और क्या आप इस पर चुनाव किस तरह से लड़ रही हैं? जी, यहाँ पे हम चुनाव महिलाओं के समर्थन पे ही लड़ रहे हैं और महिलाओं का समर्थन यहाँ बहुत ज़्यादा है और हमारा विचार यही है कि हम अगर यहाँ अमेठी पे, केंद्रीय पे, राज्य पे निकलते हैं तो हर जगह मजबूती पे काम करेंगे। तो मैम, अभी आप जा रही होंगी, वार्ड कवर कर रही होंगी, तो क्या क्या समस्याएं आपके वार्ड में था और किस तरह से जो लोगों से, जनता से बात कर रही हूँ, चाहे महिलाएं, युवा, जितने तमाम जो लोग हैं, क्या क्या समस्याएं आपको सुनने को मिला? समस्याएं यहाँ बहुतों के घर में अभी आवास कॉलोनी नहीं मिली है, पानी की समस्या है, बिजली की भी समस्या है, शौचालय की भी समस्या है महिलाओं के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। जी तो मैम, और ये आपकी जो विपक्ष पार्टी है वो भी तमाम ऐसे दौरे कर रहे होंगे, जाके मिल रहे हैं, तो उनसे आप किस प्रकार से तालमेल, आपका क्या, आप विपक्ष के लिए कुछ ऐसा अलग क्या करने की सोची हैं आप? विपक्ष के लिए यही है कि यहाँ पे तालाबों की सौंदर्यीकरण और आवास, कोई भेद बिना, मतलब जो भी कार्य यहाँ पे होगा बिना कोई भेदभाव से होगा, सबके लिए होगा, कोई जात व्यात नहीं आएगा और मजबूती से होगा। मैम, आपने कहा कि मुस्लिमों के लिए इस बार बहुत कम जो पिछले बार के थे वो काम नहीं किए हैं, हम आ रहे हैं, अगर हमको कोई जनता चुन के इस बार ला रही है तो हम उनके लिए काम करेंगे, तो ऐसे क्या काम होगा, क्या ऐसी सुविधाएं होगी जो आप देना चाहेंगे जनता को? जी, सुविधाएं यही हैं कि यहाँ पे स्वच्छता करना है, पानी की व्यवस्था करना है, बहुतों को अभी कॉलोनी नहीं मिली है, वो शौचालय की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए बहुत से वो हैं और सब जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, और पशुओं का, पशुए जो खुले में छूटे हैं उनके लिए भी व्यवस्था करनी है, यही सब व्यवस्था है। मैम, आप अगर आपको जनता इस बार चुनकर लेके आ रही है चेयरमैन के रूप में, तो आप क्या क्या सुविधाएं अपने वार्ड को, ऐसे हमने देख रहा है कि यहाँ पे जो आपकी नालियाँ है, सीवर है, बिजली है, ये बहुत से ऐसी जो जो है हम लोग के रोज़मर्रा की सुविधाएं बहुत कम मिलती है, तो आप इस बार क्या इसको सुविधा में लाना चाह रही हैं, इसके लिए बात करना चाहिए, अपने जनता को सुविधा देना चाहेंगी? सुविधा यहाँ पे बहुत की जाएगी, बस एक बार निकलना है अमेठी से, उसके बाद सुविधा यहाँ नालियाँ हैं, स्वच्छता हैं, कॉलोनियाँ हैं, हर चीज़ की व्यवस्था किया जाएगा बिना कोई भेदभाव से। महिलाओं से निवेदन है कि अपने घर से निकल के वोट जरूर दें, वो जो हम लोग का ये विनम्र निवेदन है। तो आपने देखा यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से चेयरमैन के प्रत्याशी एकता निगम जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अमेठी, जो हमारा ये वार्ड है, वहाँ पे तमाम जो सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, यहाँ के सीवर, तो ये सब सुविधाएं जो है हम अगर जनता हमको चुन के लाती है तो इसमें बदलाव करेंगे और ये तमाम सुविधाएँ जो हम जनता को देना चाहेंगे। तो ऐसे तमाम प्रत्याशी चेयरमैन हो गए या सभासद हो गए, इनसे हम बात करेंगे, तो देखते रहिए नगर निगम में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो क्या क्या सुविधाएँ लाती हैं या जनता जो है इस बार अपना किसका जो है अपना अधिकार देती है, और वही देखेंगे कि जनता इस बार किसको अपना जना जो सत्ता है अधिकार चुनेगी। कैमरामैन विजय के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। नगर पंचायत अमेठी की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।